नमस्कार दोस्तों, स्लेंडर मैन का नाम सुने आप लोगों ने? नहीं, अरे जो लोग गेम्स खेलते हैं, ग्रैनी, स्लेंडरीना, उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि स्लेंडर मैन कौन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्लेंडर मैन कोई भूत नहीं है, कोई शैतानी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, कुछ लोगों की इमेजिनेशन। कुछ लोगों के हिसाब से स्लेंडर मैन एक स्केच आर्टिस्ट की इमेजिनेशन थी, जो कि किसी बच्चे को किसी गार्डन में खड़ा हुआ देखा था और उसको देख के स्केच ड्राइंग बनाने लगा था। उसकी ड्राइंग बनाते बनाते उसके दिमाग में आया कि इस बच्चे के पीछे मैं ड्राइंग में भूत खड़ा कर देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। उसने एक लंबा सा, बहुत लंबा, जिसका सर कहाँ था, पैर कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना लंबा भूत उस बच्चे के पीछे खड़ा कर दिया। और जब वो बच्चे वाली ड्राइंग सामने आई दुनिया के, तो सब बड़े हैरान हुए, बोले कि ये तो बहुत कुछ खतरनाक दिख रहा है। सब लोग इसको स्लेंडर मैन कहने लगे और वो स्केच आर्टिस्ट सबको कहता रहा कि नहीं भाई, वो कोई स्लेंडर मैन नहीं है, वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं सुना। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि स्लेंडर मैन एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग की इमेजिनेशन थी जो कि फोटोग्राफर था। और जब एडिटिंग का बहुत ज़्यादा मार्केट में स्कोप आया था, नया नया, मतलब नई नई एडिटिंग को लोग समझना शुरू किए थे, उस समय लोग बहुत ऐसे कारनामे करते थे कि किसी चीज़ की फ़ोटो खींच लेते थे और फिर उसको एडिट करते थे और कुछ का कुछ बना देते थे। तो ऐसे एक फ़ोटोग्राफर था, लोग बोलते हैं उसने किसी चीज़ की फ़ोटो खींचा था और एडिटिंग से उसने स्लेंडर मैन को खड़ा कर दिया था। तो ऐसे लोगों के अपने अपने तथ्य हैं स्लेंडर मैन को लेकर इस दुनिया में। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तथ्य केवल इमेजिनेशन या फिर फेक कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे किस्से दुनिया के सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों ने एक ऐसे भूत को देखा है जो हद से ज़्यादा लंबा है, उसको देख के एक झलक ऐसा लगा है कि ये कोई पेड़ वेड़ होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल देखे तो समझ में आया उसका मुंह, हाथ, पैर सब कुछ है। वो एक शैतान है, वो एक क्रिएचर है, वो एक पिशाच है, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ तो है जो हमारी सोच के बहुत परे है। और हाँ, ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं बल्कि इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से भी निकल कर सामने आई है। तो ऐसी एक कहानी हमारे सामने आई जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी थी। इस छोटे से गांव में आज से कुछ साल पहले हीरा और कला नाम की दो बहनें रहती थी। हीरा बड़ी थी और कला छोटी। कुछ ही टाइम पहले कला की शादी हुई थी। अब होता है ना कि शादी होने के बाद कुछ ही टाइम बाद जो लड़की होती है, जो अपने ससुराल को छोड़कर, अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके जाती है कुछ दिनों के लिए। तो कला अपने मायके आई हुई थी और वहीं पर वो अपनी बड़ी बहन हीरा से मिली। हीरा की काफ़ी साल पहले शादी हो गई थी और वो अपने पति देव के साथ खुश थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी वो अपनी बहन से, छोटी बहन से मिलने के लिए आई हुई थी। जब दोनों बहनें मिली तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि शादी के माहौल में वो सेलिब्रेशन हो नहीं पा रहा था इतने टाइम बाद मिलने का। अब शादी से फ्री होके दोनों बहनें मिल रही है तो बहुत घूम रही फिर रही है, मार्केटिंग करने जा रही है। दोनों बहुत छोटे गांव की रहने वाली थी। एक दिन की ऐसी बात है भाई, दोपहर का वक्त था, भरी गर्मी थी। दोनों अपने जो इनका गाँव है वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक शहर गए हुए थे। इस शहर का नाम था गोरखपुर। गोरखपुर में इन लोगों ने ढेर सारे शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए तो वहीं पे इन लोगों ने एक धर्मशाला ले लिए। पहले के टाइम पे होटल्स और लॉजेस का ऐसा प्रचलन नहीं था। इन लोगों ने धर्मशाला ले लिए और वहाँ पर रुक गए। सोचे कि जैसे ही सुबह होगी हम लोग यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। पहले कोई फ़ोन मोबाइल ऐसा था नहीं कि फ़ोन करके अपने घर पर इन्फॉर्म करते। घर वाले भी एक तरफ समझ गए थे कि दोनों बहनें हैं, दोनों बड़ी हैं, रुक गई होगी किसी जगह पर, बहुत लेट हो गया होगा, तो बहुत शॉपिंग करना था उन लोगों को। खैर, धर्मशाला में सो रहे हैं, अचानक से रात में कला की नींद खुलती है। कला जागती है, शायद वॉशरूम जाना होगा, उसकी नींद खुली होगी। तो पहले के टाइम ऐसा वॉशरूम भी अंदर ही अंदर नहीं होता था, तो खुले में ही जाना पड़ता था। तो ये देखती है कि मेरी बहन गहरी नींद में सो रही है, मैं अकेले ही होके आ जाती हूँ। धर्मशाला के पीछे की तरफ ही खुला मैदान था, पेड़ वेड़ भी थे, वहीं थोड़ा कर लूँगी। वो बाहर तरफ गई है, पीछे तरफ अपना कर ही रही है कि आते आते, गर्मी का टाइम था जैसे मैंने आपको बताया, आते आते ना बहुत प्यास जैसी लगी। बोली, यार बहुत प्यास लग गई है, धर्मशाला के अंदर भी पानी का ऐसा जुगाड़ नहीं था
गर्मी के टाइम पे लोग ऐसे बाहर मटके वटके रख देते हैं समाज सेवा करने के लिए, ऐसा मटका भी रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। ऐसा देखते देखते ना थोड़े आगे की तरफ बढ़ गई, मेन रोड तरफ बढ़ गई, और वहीं पर जाते जाते उनके पैर में दो नींबू टकराते हैं। तो सोचती कि अरे ये नींबू यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं। वो नींबू उठा लेती है और नींबू उठा के थोड़ी आगे बढ़ी रही थी कि अरे ये नींबू ऐसे मतलब बीच में कौन फेंक के चले गया है, कि ऐसे ही पता नहीं क्यों ये चीज़ उन्होंने की। नॉर्मली ऐसा लोग उठाते नहीं है रास्ते में पड़ा हुआ नींबू वीबू, लेकिन कला ने उठा ली। उस समय विपरीत बुद्धि हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि कह लो, इन्होंने उठा ली और उठा के दो कदम आगे ही बढ़ी है कि इनको एक छोटा सा पौधा था उसके जस्ट बाजू में एक मटका दिखाई देता है। ये सोचती अरे वाह नींबू भी है मटका भी है। जाती है जल्दी से मटके के पास, वहाँ पे मतलब एक छोटी सी ग्लास रखी हुई थी और पानी भी था मटके में। बोली कि मैं मटके से पानी निकाल कर नींबू पानी पी लेती हूँ, मेरे को ठीक लगेगा। इन्होंने एक साइड में एक पत्थर जैसा था, पत्थर से नींबू में ऐसा मारी, नींबू थोड़ा सा टूटा और वो ग्लास में पानी निकाल के नींबू निचोड़ के बढ़िया पी ली। उस समय इनको बड़ा रिफ्रेशिंग लगा। लेकिन जब ये नींबू पानी पी के वापस अपने धर्मशाला की तरफ इतनी रात गए लौट ही रही थी कि उनकी नज़र एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर फिर से पड़ी जहाँ से उनको वो नींबू पड़ा हुआ मिला था। वो क्या देखती है कि जहाँ पर नींबू पड़ा था उसके थोड़े से आगे तो एक पुतला भी पड़ा हुआ है जिस पुतले में ढेर सारी सुइयाँ चुभोई गई है। ये बोली कि ये तो जादू टोने वाला ऐसा पुतला दिखाई दे रहा है। साइड में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो लकड़ी के टुकड़े से ऐसा ऐसा मतलब ऐसा वो पुतले को हटा कर देखी। वो पुतले को हटाइए तो क्या पाई कि पुतले के पीठ की तरफ मांस का टुकड़ा है उसमें भी सुइया चुभोई गई है। तो वो चीज़ देख के, ये नॉनवेज कभी खाती नहीं थी, इनको थोड़ी सी उल्टी आ गई। और इनको उल्टी आई है तो क्या देखी कि इनकी उल्टी में एग्जैक्टली वही मांस का टुकड़ा जो कि सुई के साथ उस गुड्डे को चुभोया हुआ है, वैसा ही मांस का टुकड़ा इनकी उल्टी से निकला। ये बहुत ज़ोर से डर गई और हल्की सी ऐसी ऐसे चीख के थोड़ी सी भागी। ज़ोर से नहीं चीखी क्योंकि ये ओपन माहौल है और ये एक सीधी साधी लड़की रोड में क्या कर रही है, कोई भी ये चीज़ देख के फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए भागी धर्मशाला की तरफ और इतने में जैसी ये बहन के पास पहुंची लेटने के लिए तो बहन की नींद खुल गई। बोली कहाँ गई थी तू? तो ये कुछ नहीं बोलती है बहन को और तुरंत ही चादर ओढ़ा के सो जाती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा बस इशारा कर देती है और सो जाती है। फिर अगला दिन निकलता है। अगले दिन इन लोगों के अब वहाँ से धर्मशाला से निकलकर अपने गांव जाने का वक्त हुआ। तो बहन हीरा ने पूछी कि अरे तू रात में कहाँ चली गई थी? फिर मैंने पूछी कि कहाँ गई थी, तो कुछ बोली नहीं और तू बहुत घबराई हुई दिख रही थी, पसीना पसीना लग रही थी, क्या हो गया? तो कला क्या सोचती है अगर मैं अपनी बहन हीरा को बता दूंगी कि ऐसा कुछ हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं नहीं मेरी शादी हुई है, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा तो बहुत डांट पड़ेगी, तेरी शादी अभी हुई है तूने ऐसी कुछ हरकत क्यों करी, बाहर क्यों निकली है, ऐसा कुछ भी कहीं से भी उठाकर क्यों खा ली पी ली। इसने बहन को बोलती नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे वॉशरूम जाना था तो पीछे से होके आई थी, बहुत थक गई थी और बहुत नींद में थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोली। हीरा ने उस समय एक्सेप्ट कर ली। ये लोग उस धर्मशाला से निकले हैं, निकलने के बाद बस पकड़े, बस में सवार हुए, अब अपने गांव जाने के लिए जिस बस स्टॉप में उतरे उस बस स्टॉप से इनके गांव तक इनको 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना था। ऐसे ही आते थे ऐसे ही जाते थे क्योंकि इनका गांव बस स्टॉप से थोड़ा अंदर की तरफ से छोटा गांव था, मैंने बताया ना। ये लोग बस स्टॉप से उतरे हैं, भरी दोपहरी का अभी भी वक्त है, आए भी भरी दोपहरी में थे, लौट भी भरी दोपहरी में रहे हैं, उतरे हैं और खेती खेत वाले रास्ते, बोले खेत वाले रास्ते चलते थोड़ी ठंडक पड़ेगी, सीधे सीधे रास्ते से नहीं आते, खेती खेत वाले रास्ते जा ही रहे हैं कि अचानक से दोनों बहनों को अपने थोड़ी आगे थोड़ी छाँव दिखाई देती है। बोले इतनी धूप में अचानक से सामने ऐसी छाँव कैसी है? इतने में पता नहीं कैसे कला की नज़र ऊपर तरफ पड़ गई। कला ने बोली दीदी ऊपर देखो। हीरा भी ध्यान से देखती है तो क्या पाती है कि एक आदमी जो इतना लंबा है जैसे कि आज के टाइम में कोई बिल्डिंग वगैरह होती है, और वो बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था जैसे कि हवा चलती है तो कोई पेड़ हिलता हो। एक सेकंड के लिए दोनों को ऐसा लगा ये कोई पेड़ तो नहीं है जिस प्रकार से ऐसा खड़ा है, लेकिन नहीं, वो एक कदम आगे इन लोगों की तरफ बढ़ाया तो नीचे देखे तो समझ में आया ये तो उसका पेड़ है।
मतलब बिल्डिंग जितना, मतलब समझ लो ये कह लो ये 10-15 फीट का रहा होगा, इतना लंबा था, आप इसको 50-60 फीट का मत समझ लेना, 10-15 फीट का था। तो दोनों बहनें ऐसे चिल्ला के दूसरे रास्ते से भागी, एक कदम उसने इनके तरफ बढ़ाया तो जिसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत बुरी तरीके से भागी 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 भागी। और बहुत भागने के बाद ये ना एक दूसरे रास्ते में आ गई थी, क्योंकि इनके घर, इनके गांव जाने वाले रास्ते में वो खड़ा हुआ था, अभी उल्टे रास्ते में भागी है, दोपहर का वक्त है, गर्मी का टाइम है, भागते भागते दूसरे रास्ते में अलग ही गांव से पहुंच गई है ना। तो दोनों बहन थक गई, कितना दौड़ेंगे, एक इंसानी शरीर भी है, थकता भी है गर्मी के टाइम में। तो वो थक गई और बोले कि देखो वो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, अब ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, कुछ देर बैठ जाते हैं और फिर निकलेंगे। तो दोनों बहनें बैठ गई, बोले ठीक है थोड़ी देर बाद ही निकलते हैं आगे। कि इतने में दोनों को फिर से बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, बोले कैसा करें, आसपास कोई कुआं है क्या, देख पानी पी लेंगे तो एक दो घंटे और भी बैठ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर यहाँ से कोई सवारी हमको जाते हुए दिखाई देगी, कोई बैलगाड़ी या कोई भी सवारी, हम उसमें बैठकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैं बताऊँ कोई भी सवारी नहीं आ रही थी, कोई भी हेल्प करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, और कुछ पानी वानी का साधन भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में 15-20 मिनट बीत गए, इतने में कला को दिखाई देता है एक लड़का जो थोड़ी आगे से दूसरी तरफ जा रहा था, एक खेत की तरफ जा रहा था। तुरंत कला उठ के आवाज़ लगाती, अरे अरे भाई सुनो सुनो कौन हो तुम। वो लड़का वहीं पर रुक जाता है, जवान लड़का था, 17-18 साल का रहा होगा, इनकी तरफ देखता है। हीरा बोलती कौन दिखा, कला बताती देख वो लड़का ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको अपने गाँव में देखी हूँ। दोनों उस लड़के के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई थोड़ा पानी मिल जाएगा, कि हम बहुत प्यासे हैं। लड़का बोलता है हाँ हाँ मिल जाएगा, चिंता करने वाली बात क्या है, और तुम दोनों बड़े घबराए हुए भी लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दोनों बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको पानी पिला दो। ये बोलता है अच्छा चलो आओ मेरे साथ, मैं तुमको पानी पिलाता हूँ। ये दोनों दोनों उसके साथ जाने लगी, वो लड़का थोड़ा एक एक दो दो कदम आगे चल रहा है, दोनों पीछे पीछे चल रही है। उसी समय हीरा की नज़र पड़ गई वो लड़के के पैर की तरफ, वो लड़के के पैर उल्टे हैं। ना जाने किधर इनको सुनसान जगह पर लेकर जा रहे हैं, वैसे तो ये रास्ता सुनसान था लेकिन ये इनको और जंगल की तरफ लेकर जा रहा था, एकदम घना जंगल था, ये जंगल वाला रास्ता था। हीरा समझ गई थी ये लेके जा रहा है, और हीरा ने कला को ऐसा करके बोल दी कि अब उसके पीछे अपन को नहीं जाना है, इससे भी बच के भागना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो कला उस समय कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन इतना समझ गई कि मेरी बहन मेरे को सतर्क करने की कोशिश कर रही है कि अब इसकी बात हमको नहीं सुनना है। उस समय कला का दिमाग नहीं चला और कला ने उसके पैर की तरफ नहीं देखी। थोड़ी आगे जाने के बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, ये लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जिस पॉइंट को देख के क्लियर समझ में आ रहा था कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। पहले के टाइम पर ज़माना ऐसा नहीं होता था कि हर कब्रिस्तान, हर शमशान घाट के गेट में क्लियर लिखा जाए, गेट वेट बोर्ड वोर्ड बनाया जाए, पहले ऐसा नहीं होता था। कई बार ऐसी एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड की जाती थी और वो खुले में ही लोग करते थे, लोगों को दफनाना, लोगों को जलाना। तो जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं कि कला हीरा दोनों समझ गए, शिट हम लोग तो कब्रिस्तान की तरफ आ चुके हैं जहाँ पर लोगों को दफनाते हैं। ये दोनों फिर से वहाँ से उल्टे कदम भागे, वो लड़का मतलब आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा रुका है और रुक के इनके पीछे पलटा ही था कि ये भागे थे, बहुत तेज़ी से भागे 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 भागे, और जैसे तैसे करके भागते भागते अपने घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद कला की इतनी बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो गई कि इसको रिकवर करने में लगभग 1-1.5 महीने लग गए, वो भी वो गांव में रिकवर नहीं हो पाई। पतिदेव आए, पतिदेव अपने साथ लेकर गए, शहर में उसका ट्रीटमेंट कराए, सिर्फ उल्टियाँ होती थी, उल्टी में कभी बाल निकलते थे, कभी मांस निकलता था, जबकि नॉनवेज कभी खाई नहीं थी, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कभी नॉनवेज को टच भी नहीं करी थी, कभी बाल कभी मांस, तो कभी इतनी बुरी स्मेल आती थी जैसे कि नाली गटर की क्या आती हो, बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी। बहुत जगह जगह इलाज करवाने के बाद इनके दिमाग चला कि चलो किसी मंदिर में लेके जाते हैं। ये मंदिर में लेकर गए, वहाँ पे मनोकामना किए कि ये ठीक हो जाए, दुर्गा माता के मंदिर में, तो हम इस मंदिर में ये करेंगे। और वो मनोकामना के अनुसार दुर्गा माता ने आशीर्वाद दी और वो ठीक हुई, लेकिन बहुत टाइम लग गया रिकवर होने में। फिर इसने सारे तारों को जोड़ी, अपने पति को बताई, पति ने बैठ के पूरे तारों को जोड़े और समझ में आया कि जो कुछ भी हुआ था, वो धर्मशाला से रात में निकली थी, नींबू निचोड़ के पानी पी ली थी, तो निगेटिविटी गांव तक इसके साथ आ गई और इसको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन मैटर यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, कुछ समय बाद इन मैंने ये बात करने के बाद तो कला को और कला के पति को ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक है, तबीयत ठीक हो गई। लेकिन कुछ समय बाद कला जब फिर से अपने मायके गई तो उसे फिर से वही लड़का दिखाई दिया
मतलब हर जगह दिखाई देता था, घर के आसपास दिखाई देता था। जो लड़का वो जंगल में दिखाई दिया था, जिसके उल्टे पैर थे जो कब्रिस्तान लेकर जा रहा था। कला को ही दिखाई देता था, किसी और को नहीं दिखाई देता था। हीरा को दिखाई देना बंद हो गया था। कभी ऐसा होता था कि कला और हीरा दोनों इस घर में इकट्ठी हुई अपने अपने मायके में, तो दोनों बात कर रही हैं, सिर्फ एक देख पा रही है, एक नहीं देख पा रही है। मतलब ये बात को काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज भी कला उस घर की तरफ जाती है ना, मतलब तो उन्हें वो दिखाई देता है, उसी रूप में दिखाई देता है वैसे ही। और उस घर के भी लोग अभी जो रहते हैं, उनके आगे की जनरेशन के लोग, हालांकि कला भी जीवित है और कला की जो नातिन है किरण, वो भी मतलब नातिन है ना, तो ये उसके मामा का घर हो गया, किरण के मामा का घर, वो घर तो अभी भी किरण के मामा के घर ना वो चीज़ दिखाई देती है। मतलब वो चीज़ लोगों को एक्सपीरियंस कराती है अपना। सब लोग कहते हैं, ना जाने कितने बाबा पंडित पुजारी आ गए, सब कहते हैं कि इस घर में एक सालों से आत्मा रह रही है, कई दशकों से आत्मा रह रही है। और ये बात खुद कला जी बहुत अच्छे से जानती है कि किसकी आत्मा है और ये कैसे इस घर में आई है। मतलब उस घर में जो लोग रहता है उसकी हिम्मत की तो दाद देता हूँ मैं, किरण के मामा लोग यानी कि जो कला है उनके बेटे का परिवार रहता है और वो सब कुछ झेलता है। लेकिन जो एंटिटी है वो किसी को हार्म नहीं करती, सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाती है। और जब भी कला जी जो कि अब वृद्ध हो चुकी है उस घर में आती है, तो उनको कभी सपना आएगा तो कभी ऐसे ही बोलते हुए दिखाई देगा कि देख मैं ऐसे ही तो नहीं जाऊंगा, अब जो मैं तेरे साथ आया था मैं तेरा सब कुछ लेकर लौटूंगा, एक दिन वो आएगा जब मैं सब कुछ ख़त्म करके रख दूंगा। सोचो, लेकिन इस घर को लोग छोड़ नहीं रहे, खुद का घर है ना, तो मतलब कई बार गाँव के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने घर को छोड़ देना। नहीं तो मेरा तो ये कहना है छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए उस घर को भैया, वो आत्मा ना जाने कितने सालों से वहाँ पर रह रही है और अभी भी कला जी को वो कहती है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ लेकर चले जाऊंगा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि किरण ने ही, आप समझ गए होंगे, इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊँ, जिससे आप लोगों को एक बड़ी खतरनाक सीख, मनोरंजन और जानकारी प्राप्त होगी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसके ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।